हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीन तरह से मसाला छाछ या ताक बनाना। सबसे पहले हम लोग फ्रेश मिंट मसाला छाछ बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा छाछ या ताक, धनिया पत्ती करीब एक चम्मच, कुछ पुदीने के पत्ते, आधी हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे और उसमें पुदीने के पत्ते और धनिया की पत्ती को डालेंगे, साथ ही साथ आधी हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून या स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे। अब हम इसमें छाछ डालेंगे और कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लीजिए, हमारा फ्रेश मिंट मसाला छाछ बनकर तैयार है। अब हम लोग करी पत्ता मसाला छाछ बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा करी पत्ता पाउडर, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च। अब हम एक ग्लास में करीब 1 टीस्पून करी पत्ता पाउडर लेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून काला नमक लेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर लेंगे और एक चुटकी कुटी हुई काली मिर्च लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें छाछ डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप भुना जीरा पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च में से एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर दोनों चीज़ें आपके पास ना हो तो। लीजिए, हमारा करी पत्ता मसाला छाछ बनकर तैयार है। अब हम अपना तीसरा मसाला छाछ बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा छाछ, सौंफ पाउडर, पुदीना पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक। एक ग्लास में हम करीब हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लेंगे, थोड़ा सा सौंफ पाउडर लेंगे, थोड़ी सी पुदीना पाउडर लेंगे और करीब हाफ टी स्पून ही ब्लैक सॉल्ट लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें छाछ डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालेंगे। लीजिए, हमारा तीसरी तरह से मसाला छाछ बनकर भी तैयार है। ये मसाला छाछ गर्मियों के दिनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। ये सभी पाउडर मैंने घर पर ही बनाए हैं, इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दी हुई है, आप देख सकते हैं कि करी पत्ता पाउडर, पुदीना पाउडर, भुना जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर घर पर कैसे बनाएं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।